भाइयों से हम पहले सबसे थैंक यू करना चाहते हैं चिंता को, जिन्होंने हमें फेलिसिटेट किया. थैंक यू एंड थैंक यू एमएस फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस. और आप लोग सबका स्वागत है. सबसे पहले मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी जितनी सारे हम अचीवमेंट्स देख रहे हैं. मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट ही है जो शायद एक अचीवमेंट का एनवायरनमेंट है, और हमको इस एनवायरनमेंट ने बना के रखा. और वी लव दिस बिजनेस बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द सेलिब्रेशंस दैट वी हैव ऑल द टाइम, एनकरेजमेंट एंड पॉजिटिविटी ऑल अराउंड. आई थिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारा इस बिजनेस में टिके रहने का और आगे बढ़ने का. और कहते हैं कि 86% लोग सफलता तभी पाते हैं अगर वो अच्छे एनवायरनमेंट में, ग्रोथ एनवायरनमेंट में रहते हैं. सिर्फ 14% है दुनिया के लोग जो टैलेंट पे ही अपनी ग्रोथ करते हैं. सो वी आर एब्सोल्युटली इन द राइट एनवायरनमेंट. एंड सुशीला में कोई जिंदगी में लोनली नहीं थे, बोर्ड नहीं थे, और ये नहीं था कि कुछ करने को नहीं था, तो एमवे बिजनेस कर लिया. वी वर प्रीटी हैपनिंग पीपल, एब्सोल्युटली ग्रेट करियर्स, ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे सेटल थे. बट वी लव दिस बिजनेस, यू नो व्हाई? क्योंकि जब हमने इसको देखा तो इसमें हमको क्वालिटी ऑफ मनी अलग दिखा, विच वी लव. इसमें हमको कंपैशनेट कैपिटलिज्म दिखा. अगर वो बात समझनी है तो रिच डिवोर्स की बहुत खूबसूरत बुक है जो हमने उस समय पढ़ी, कि हाउ इट कैन रियली फुलफिल ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ टुगेदर. इसमें रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे दिखे, टाइम और मनी का बैलेंस बहुत अच्छा दिखा, टाइम मनी एंड हेल्थ. सो ये चीज़ें कुछ हैं जो हमें अट्रैक्ट करी. और आवर ड्रीम वाज टू हैव फ्रीडम ऑफ चॉइसेस. कितने लोग चाहते हैं कि हम अपना दिन सुबह उठ के खुद डिजाइन करें? yes. जो मनाया वैसे ही करें, ना कोई कहे ना कुछ, और ऑप्शंस हो, ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये. इज़न्ट दैट ब्यूटीफुल? दैट वाज वन ऑफ द रीजंस वी बिल्ट दिस बिजनेस, टू हैव दोस फ्रीडम ऑफ चॉइसेस. कहते हैं अगर दोस्त, सोच, किताब और रास्ता, अगर ये गलत है ना तो रास्ता गलत ही होगा. और यहाँ आपको दोस्त कितने अच्छे मिलते हैं जो सब इंकरेज कर रहे हैं यहाँ के, इसने कि आप भी कर सकते हैं. कहाँ कहाँ जाता है? कहीं भी नहीं. और सोच, सोच तो आज की डेट में कहते हैं आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन योर ड्रीम्स. ड्रीम्स को अगर पाना है तो सोच को ही सही करना है, और वो यहाँ एनवायरनमेंट आपका करता ही है. किताब कौन सी पढ़ते हैं और व्हीकल कौन सा? एंड वी थिंक एमवे कॉम्पनसेशन प्लान एंड एमवे का रास्ता एब्सोल्युटली बेस्ट है. सो क्या हम एक और जोरदार ताली दे सकते हैं एमवे? किताबों में हमने कंपैशनेट कैपिटलिज्म तो पढ़ी पढ़ी, उसके बाद हमने एक पढ़ी मेगा ट्रेंड. सी मैं 22 साल पुरानी बातें बता रही हूँ आपको. व्हेन वी स्टार्टेड इट, बिकॉज़ सुशील वाज़ द यंगेस्ट कैप्टन एट दैट टाइम, और हम लोग इकट्ठे रहना चाह रहे थे. हम शिप पे सेल लंबा लंबा नहीं जाना चाह रहे थे एक दूसरे से अलग, एंड दैट इज द रीजन वी वर लुकर्स. बिजनेस बहुत सिंपल है माई फ्रेंड्स, माइंड कॉम्प्लिकेटेड है. अगर हम इसको सिंप्लिसिटी में रखेंगे तो काफ़ी सही सोच चल सकती है. और अगर आपका, कहते हैं पहला बटन सही लग जाए तो सारे बटन सही लगते हैं. किसने कहा है? घनश्याम टेलर ने. हर चीज़ गांधी जी ने ही कही होती है, कुछ चीज़ें हमें इधर उधर से भी मिल जाती है. सो वी वर स्टार्टेड वेल, ओके. सो हमें बिजनेस में शुरुआत अच्छी हुई, ट्रेनिंग अच्छी हुई, एंड वी एक्चुअली थैंकफुल टू द गाइडेंस दैट वी गॉट. और बहुत बड़ी सोच लेके नहीं आए थे, जिनसे हमने सीखा है वो आज यहाँ बहुत बड़े फाउंडर प्राइम एम्बेसडर्स हैं. मिस्टर डीडी साला वो कहते थे शुरू शुरू में, जब वो डायमंड ही थे और हम 6% थे, कि मैं इस बिजनेस में सिर्फ $100 एक्स्ट्रा हफ्ते का कमाने आया. और हम उस समय यही सोचते थे, कोई बहुत बड़ी सोच लेके और ऐसा सोच और ड्रीम, ऐसा कुछ नहीं था. वी जस्ट थॉट अगर इससे हमको $600 भी एक्स्ट्रा मिल गए ना हफ्ते महीने के, वी आर हैप्पी. क्योंकि वही हमारी EMI थी घर की. वहाँ पर इतनी छोटी सोच से हमने इस बिजनेस को शुरू किया. लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप इट ग्रू. इट दिस बिजनेस इज नॉट एन इवेंट, इट्स अ प्रोसेस. सो आप प्लीज अपने आप को कम से कम 2 से 5 साल का वक्त दीजिए स्टेप बाय स्टेप इसको आगे बढ़ाने के लिए. और कहते हैं कि विश बोन होती है, बैक बोन होती है, और एक फनी बोन होती है. विश बोन आपका ड्रीम, बैक बोन आपके गट्स, हिम्मत. क्या है प्लान दिखाने की हिम्मत है? yes. कि 10-20 लोग ना कर देंगे तो फुस हो जाएंगे हम. दैट इज वेर यू नीड मोर हिम्मत. ना करने वालों के मतलब से क्या फर्क पड़ता है हमें? और तीसरा है फनी बोन. जो ना करने वाले हैं ना उन पे आप हंस दीजिए, हैव दैट फनी बोन. समझ ही नहीं आई बात. आई रिमेंबर व्हेन वी सॉ दिस प्लान इन ऑस्ट्रेलिया, तो उस समय मुझे भी समझ नहीं आई थी. पहले 6 महीने मैंने सुशील को बहुत टफ टाइम दिया, बट थैंक गॉड आई डिडंट किल हिज ड्रीम. I was not with it and I used to feel कि इससे कैसे होगा, इससे कैसे कुछ चीज़ें मिल सकती हैं.
बट यू नो एक दिन मैंने ऐसे ही किसी को कहते हुए सुना कि ये प्लान आईक्यू टेस्ट है, तो उसके बाद से मैंने कहना बंद कर दिया कि मुझे बात समझ नहीं आई. तो अगर आपको ये समझना है ना, सच में ये प्लान यहाँ का आईक्यू टेस्ट है. इट हैज सो मच पोटेंशियल इन इट. अगर सही से समझा जाए और किया जाए तो बहुत दूर तक जा सकते हैं. और अगर ड्रीम नहीं भी है ना, डजंट मैटर, स्टिल डू इट. ड्रीम है तो एनेस्थीसिया है साथ में, वेरी गुड. अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, दिस बिजनेस इज एब्सोल्युटली वर्थ इट. विद दिस आई विल पास टू सुशील, जिनको सिर्फ पहली बार देखते ही बात समझ आ गई थी, एंड ही स्ट्रेट अवे वेंट फॉर इट, एंड ही विल शेयर हिज विजन विद यू. थैंक यू. दोस्तों, ये बिजनेस हम दोनों ने मिलकर बिल्ड किया है. आज अगर हम इस लेवल पर हैं, तो इसका काफी श्रेय इस वंडरफुल लेडी को जाता है, रश्मि को. बेशक शुरू में इनको बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज जिस तरह गोल सेटिंग और जिस तरह ये ड्राइव करती हैं बिजनेस को, कोई ये नहीं कह सकता कि एक दिन ऐसा भी था जब इनको ही बात समझ में नहीं आई. तो हो सकता है आपके घर में कोई ऐसी सिचुएशन हो. सिचुएशन बदल जाती है दोस्तों, बदल जाती है. क्या अपनी सिचुएशन बदलने के लिए तैयार है? कुछ काम सीख के करेंगे? मनमानी तो नहीं करेंगे? दोस्तों, इस बिजनेस में बहुत 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 ताकत है. आज आप जो देख रहे हैं, इतनी सारी सफलता, ये आपको क्यों दिखाई जा रही है? ताकि इसके बारे में आप जाके लोगों को बता सके कि आपने कितने सारे लोगों को सफल होते देखा है, किस किस बैकग्राउंड के लोगों को सफल होते देखा है. अभी कोई आए थे फार्मिंग बैकग्राउंड से थे, उससे पहले डायमंड थे, वो कह रहे थे हम 12वीं पास है. मैं आपके सामने खड़ा हूं एज अ मर्चेंट नेवी कैप्टन, $10,000 तो वैसे भी शिप पे अगर चला जाऊं तो आराम से मिल जाएंगे पर मंथ. 7 लाख रुपए होती है आज की तनख्वाह महीने की. आपके सामने खड़ा हूं क्यों? कुछ तो है. 17-18 साल के मर्चेंट नेवी करियर के बाद जब हम ऑस्ट्रेलिया में सेटल हुए, हम एक ही पर्सन को जानते थे, इनके ब्रदर को. और रात में उन्होंने हमें प्लान दिखाया. क्यों? क्योंकि उनकी वाइफ नेगेटिव थी, जब वो सो गई तब उन्होंने दिखाया. मैं क्या निकला? पॉजिटिव ब्रदर इन लॉ. अरे भाई, पॉजिटिव ब्रदर इन लॉ भी होते हैं दुनिया में, सब नेगेटिव नहीं होते. आप दिखाओ तो, बात तो करो. पॉजिटिव निकल आया तो दिखाइए. तो मुझे लगा कि इतनी बड़ी कंपनी है, सपोर्ट भी करेंगे, सब कुछ होगा, व्हाई नॉट, ट्राई तो करना चाहिए, रिस्क तो नहीं है. एक करियर करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया गया, मेरे मन में था कि नहीं, कुछ करना है, सारी जिंदगी जॉब नहीं करनी. मैंने बचपन में काफी कुछ देखा था. मेरे फादर ने काफी लॉयल्टी दी एक जगह को, जहां से अंत में उन्हें नहीं कुछ मिल पाया. वो रोष मेरे अंदर था, वो अनफेयरनेस मेरे अंदर थी. क्या कभी आपको जिंदगी में लगा कि गुस्सा आया हो, अनफेयर, ये ठीक नहीं है, लगा कभी? तो रोइए मत, उस गुस्से को ताकत में बदलिए और उसको मार्केट फोर्स बना दीजिए, प्लान शोइंग फोर्स बना दीजिए. अगर मैं आपको एक चुटकुला सुनाऊं तो आप एक बार हंसेंगे, वही सुनाऊं शायद दूसरी बार भी हंस दें, 10वीं बार नहीं हंसेंगे. तो फिर एक दुख जो जिंदगी में लेके सारी जिंदगी रो रहे हैं, क्या फायदा उसका? हटाइए उसको, छोड़ दीजिए. आपके सामने अपॉर्चुनिटी है. जब हम यहां से ऑस्ट्रेलिया गए थे तो हमें लोगों ने कहा, अरे माता पिता को छोड़ के चले जाओगे? इस बिजनेस की बदौलत पिछले 16 साल से अपने फादर को मैं लुक आफ्टर कर पाया. वहां पे जब इस बिजनेस को शुरू करे थे तो लोगों ने कहा, नहीं नहीं नहीं, यहां पे सब लोग ना आगे जॉब करते हैं, ये सब नहीं करते. और मैं देख रहा था उनकी भी हालत. फिर जब वहां से वापस आने लगे तो लोगों ने कहा, ए लो, इस एमए बिजनेस के लिए वापस जाओगे? और जब यहां आए तो लोगों ने कहा, रिजाइन तो नहीं कर दिया, वापस चले जाओ, भारत में नहीं चलेगा. देखिए अपने चारों तरफ, भारत में नहीं चलेगा, भारत में तो विस्फोट करेगा, भारत में तो दौड़ेगा, दौड़ रहा है.
शुरू में हम लोग का स्टेटमेंट हुआ करता था जब इससे शुरू हुआ था, या तो हमें ज्वाइन कर लीजिए या 6 महीना वेट कर लीजिए और देखिए यहाँ क्या होता है। और मेरा एक चैलेंज था उस जमाने में लोगों को कि या तो आप ज्वाइन करिए या आज से 5 साल बाद आप अपना बैंक स्टेटमेंट लेके आना 1 जनवरी को फला फला होटल पे, और मैं अपना बैंक स्टेटमेंट लेके आऊंगा, मिला के देख लेंगे, जिसका कम होगा वो दूसरे को लंच खिलाएगा। अरे एक लंच खिलाने के लिए भी कोई सामने नहीं आया। 7 प्रोडक्ट थे जब हम लोग एमरल्ड गए, 6 शुरुआत की किट के और 1 ऐसे 1 तभी आया था, 20 प्रोडक्ट थे जब हम लोग डायमंड गए। तो हर प्रोडक्ट के अंदर झांक झांक के मत देखिए, वहां नहीं आपकी डायमंड शिप छुपी हुई है। जैसे अभी अनुराग बता रहे थे, एक एंटरप्रेन्योर की स्पिरिट उसके दिल से निकलती है। दिमागी तौर से इसको ज्यादा स्टडी करने की कोशिश मत करिए। बहुत होमवर्क कर लिया हम लोगों ने, बहुत पढ़ाई कर ली, जब आपके दिल से बात निकलेगी, जब आपकी आंखें उस विश्वास से बोलेंगी, आप देख लेना सामने वाला ज्वाइन करेगा कि नहीं, और अगर नहीं करता तो उसके नसीब टूटे हैं। कोई अगर ना करता है तो हमें ना नहीं करता, अपने आप को ना करता है, अपॉर्चुनिटी को ना करता है। कई लोगों का सेल्फ इमेज ही इतना लो होता है कि आप क्या कर पाओगे। तो अपने आप को कोई दोष मत दीजिए, आप आगे बढ़ते रहिए, आपका काम हो जाएगा। दोनों चीजें चाहिए, ग्रुप भी बनाने हैं, ग्रुप में टर्नओवर भी करनी आनी चाहिए। सबसे बढ़िया टर्नओवर कहां से आएगी? आपके अपने घर से। मेरा बेस्ट कस्टमर है वो हूं मैं, बेस्ट कस्टमर। क्या आप अपने बेस्ट कस्टमर हैं? और बेहतर बनिए और ये चीज सिखाइए। प्रोडक्ट्स ये प्लास्टिक में पैक होके नहीं आते, कार्टन में पैक होके नहीं आते। इस चीज को अगर समझने की आप में ताकत है तो ये नोटों में पैक होके आए हैं। इसके अंदर बहुत सारे नोट छुपे हुए हैं। पाउडर तो है ही है, वो अपना काम करता है, लेकिन पैकिंग क्या काम करती है? पैकिंग का काम सीखा कभी आपने? दोस्तों, जॉब की दुनिया बदल रही है, आने वाली दुनिया में बहुत से जॉब चले जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? अपने बच्चों को क्या तैयारी दे रहे हैं अगर खुद तैयार नहीं है तो? जॉब इज ए टेम्पररी सॉल्यूशन टू ए परमानेंट प्रॉब्लम। जब तक आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले नहीं लेते, आप उड़ नहीं सकेंगे। चल तो सकेंगे, कभी उड़ नहीं सकेंगे दुनिया में। इतनी सारी फ्लाइट्स आज भी जाएंगी आएंगी, क्यों नहीं आप उनमें? ऊपर देखिए ना, आप भी तो जाओ। और ही लोग क्यों जाए इधर उधर के देशों में, आप क्यों नहीं? क्या कमी है आप में? कोई कमी नहीं। ये एक इंसान की बुरी आदत होती है कि वी एक्चुअली कंपेयर आवर वीकनेसेस विद अदर पर्सन स्ट्रेंथ। अपनी कमजोरियों को हम दूसरे इंसान की मजबूतियों से तुलना करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, कभी मत करिए। आप में अपने गिफ्ट हैं, दूसरे व्यक्ति में उनके गिफ्ट हैं। जरूरी नहीं कि हर एक में हर कोई गिफ्ट हो। अरे एक भी गिफ्ट है तो चलेगा। कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा पढ़ सकता है, कोई अच्छा प्लान दिखा सकता है, कोई अच्छा प्रोडक्ट मूव कर सकता है। ये नेटवर्क है, नेटवर्क में इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। एक की कमजोरी को दूसरा आदमी पूरा करता है, इट्स ए नेटवर्क। कोई कमी नहीं, जबरदस्ती अपने अंदर कमियां मत पैदा करिए। आज जो देख करके जा रहे हैं, 1000 लोगों को दिखाने का वचन लेके जाइए। हमें नहीं देंगे वचन, अपने परिवार को दीजिए वचन, जिनके विश्वास पे आज यहां पर आप स्टेडियम में बैठे हुए हैं। उन बच्चों को नहीं पता आप क्या करने आए हो, कहां गए हो, शाम को लौटोगे, लेकिन उनका विश्वास लेकर आप यहां पर आए। ये तो चादर की फैक्ट्री है, यहां हम नहीं कहते पैर समेट लो। एमबे कहता है चादर बड़ी ले लो। कितनी बड़ी चादर चाहिए? ले जा सकते हो, चादर की फैक्ट्री है ये। गलत सिखाते हैं बाहर, हम लोगों को गलत सिखाया गया कि जितनी चादर हो उतने ही पैर समेटने चाहिए। हाँ, उस समय की बात सही थी, क्योंकि उस समय एमबे बिजनेस यहां था नहीं ना, इसलिए।
इसलिए हमें पैर समेट के ही जीना सिखाया गया था, लेकिन आज ऐसा नहीं। अगर ये कंपनी शेयर्स दिया करती तो इसका एक एक शेयर लाखों रुपए का होता। लेकिन दोस्तों, एक स्टेक होल्डर जो है, एक पार्टनर जो है, वो किसी भी शेयर होल्डर से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, कम नहीं। एमवे की मैनेजमेंट के साथ पार्टनरशिप करके इतनी तेजी से बिजनेस आगे बढ़ रहा है। आपकी आपके डायमंड्स की बात वाकई सुनी जाती है। वी आर थैंकफुल फॉर द पार्टनरशिप, वी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी। एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीका है। अगर आप में सपना है कुछ पाने का, तो स्टेप बाय स्टेप का आपको प्रॉपर प्रेडिक्टेबल सिस्टमेटिक तरीका दिया जाएगा कि अब ये करिए और इस दौर के बाद, अब आप ये करिए और इस दौर के बाद ये करिए। उसमें क्या मुश्किल है? कोई भी कर सकता है, कोई भी। थोड़ा तो केंद्रित रहना पड़ेगा, ऐसे टाइम पास वे में नहीं होगा। जितना समय लोग अपने व्हाट्सएप में लगा देते हैं या अखबार पढ़ने में लगा देते हैं उतना, या टेलीविजन में लगा देते हैं, उससे कम समय में ये बिजनेस आप बिल्ड कर सकते हो। या फेसबुक में अपना पेज घुसा के बैठे हैं लोग, अरे औरों की जिंदगी कितनी देखोगे? टीवी में देख के कुछ नहीं मिलेगा, टीवी पे आने लायक बनो। आपका इंटरव्यू लिया जाए कि आपने भारत में एक अपॉर्चुनिटी इतने छोटे से इतने बड़े पैमाने में कैसे करी, कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। सामने लग जाए, गेट ऑन टीवी। आई चेक विद देम, वी हैव सम रूल्स फॉर दैट। कोई नहीं, मैं कह रहा हूं आप पहुंच जाओ किसी स्टेशन में। अपने प्रोडक्ट भी आप ब्रांड एम्बेसडर हो। इस प्रोडक्ट के शाहरुख खान आप हो, इस प्रोडक्ट की जो भी है दीपिका और व्हाटएवर वो आप हो। क्या उस तरह सोच सकते हैं आप? Yes. और वो सेलिब्रिटीज तो वो प्रोडक्ट्स यूज भी नहीं करती शायद, जो कि वो एंडोर्स करती है। पर आप तो सच्चे एम्बेसडर बनो, कोई मुश्किल नहीं है। यहां पर कुछ तो कीमत चुकानी होगी सफलता की, कुछ तो निरंतरता दिखानी पड़ेगी। ये नहीं कि आज तो हम कर रहे हैं और कल ही हमारा मूड खराब हो गया, कोई बात हुई। एक अच्छी एटीट्यूड, एक अच्छा माइंडसेट, रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टांसेस। शुरू में कोई ज्वाइन कर लेता है तो आपकी एटीट्यूड ऐसे हो जाती है, इमोशंस। कोई नहीं करता तो यूं गिर जाती है। फिर जब आप एमरल्ड बन जाते हो तो उतार चढ़ाव थोड़े कम हो जाते हैं। जब आप डायमंड बन जाते हो तो एकदम स्टडी चलते हो, आता है आए, नहीं आता ना आए, यार चल आगे बढ़। तो अपने जो इमोशनल अप एंड डाउन है शुरुआती दौर के, वो गलत नहीं है। हमारे साथ भी हुए थे। मुझे कई महीने लग गए एक पर्सन को स्पॉन्सर करने में, और अपनी छोटी बहन को डरा के स्पॉन्सर किया, जिन्हें आज आप स्टेज पर देख रहे हैं। कभी मेरा भी ये हाल था, कभी हमें भी लगता था यार कोई आएगा हमारे साथ, अरे यार कोई तो आओ। तो अगर आपके साथ ऐसा है, यू आर राइट ऑन ट्रैक, चलते रहिए, कोई मुश्किल नहीं। आएंगे लोग, परीक्षा लेंगे आपकी, रिश्तेदार, दोस्त, सगे संबंधी, कि आप चलते रहते हो या नहीं। कंपनी तो चल ही रही है, प्रोडक्ट्स की कितनी डिमांड है यहां पर। क्या अपने आप को एक प्लान शोइंग का फोर्स, एक इकोनॉमिक फोर्स आप समझते हो, या सिर्फ किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर समझते हो? सोच, क्या पढ़ रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं, किस तरह का फेथ है आपको इस अपॉर्चुनिटी में, है कि नहीं? कितना विश्वास है सिर्फ अपने लिए या सामने वाले पे भी? जाए आपका विश्वास इतना है, सामने वाले के लिए विश्वास पैदा करना पड़ेगा। करेंगे आप? दिखाते रहेंगे प्लान? रुकना मत इसमें, जल्दी पीछे मुड़ के मत देखना। 100 प्लान से पहले कोई पीछे मुड़ के ना देखे। 1000 प्लान में तो डायमंड भी बन सकते हैं आप।
कोई पर्पस होना चाहिए जिंदगी का। 300 साल नहीं है आपके पास, कुछ वैल्यू सिस्टम होना चाहिए। कुछ वैल्यूज है आपकी, कुछ एथिक्स है आपके, किस चीज के लिए आप स्टैंड करते हो। कहते हैं कि इफ यू डोंट स्टैंड फॉर समथिंग यू विल फॉल फॉर एनीथिंग। हवा के झोंकों के साथ यहां वहां नहीं हो जाए, एक स्टडी फोर्स बन के इस प्लान को दिखाते रहिए, दिखाते रहिए, दिखाते रहिए। जो भी इस राह पर चलता रहेगा उसके लिए ऊपर वाले ने 6 अच्छे ग्रुप्स लिख रखे हैं। आपके भी 6 ग्रुप्स लिखे हुए हैं। अगर आप दिखाते रहेंगे तो आपको आपके लोग मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे। हमें मिले हैं, आपको भी मिलेंगे। हर बैकग्राउंड का व्यक्ति कर सकता है इस बिजनेस को, आप भी कर सकते हो। और जल्द ही हम आपकी डायमंडशिप यहां सेलिब्रेट करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर डायमंड।